आज गाड़ी भर जयपुर भजे टिकट मांगे सकाल छह बजे कटरा जी पूछ रहे हालत खराब करी हमारी खराब और सबकी खराब हम जी तो माता डोली और तब तो पीछे पीछे सारी रात भागी और धरना को काम पड़े तो कोई भी कोई ना हो। अब यदि तुम जैसे बोग ऐसे काटोगे कमजोर करना मोदी जी की पहली नीति है और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो न तो भैया कुछ कर सकता वो न वो राजनीति कर सकता। आज हम भाषण दे रहे हम भी 8-8 हजार रूपए तनख्वाह लेता तो एक फोकता टोपी से जेब में पैदा हो जब राजनीति याद आवे ऐसे उनके RSS के ऐसे ऐसे लोग है एक एक वोट को जयपुर से कलकत्ता से बम्बई से वहां से नाला के दबा देते हैं और हमारे लोग खड़ियों पर बैठ के हराते जिताते रहते हैं खुद का वोट डालने जाते नहीं है। आप ये बताओ मोदी जी ने सारा कोई बेटा बाप की सारी संपत्ति को बेच के बर्बाद कर देता है लेकिन जब सही निशाने की बात आती है तो हम लोग लापरवाह है आम जनता परेशान है। और ये तो आप इतने झूठे आदमी है एक लोकपाल आंदोलन में वो व्यक्ति मेरे को नहीं कहना चाहिए एक लोकपाल आंदोलन दिल्ली में ऐसा छिड़ा 7-8 साल पहले उसने पूरे देश की सत्ता बदल दी और उनने इन बेईमानों को इन चोरों को सत्ता तक पहुंचा दिया और वो काम आज भी पूरा नहीं हुआ। ये प्लानिंग थी उस आंदोलन के पीछे रहस्य था नागपुर और दिल्ली मिलकर के उस अपनी प्लानिंग को देश के अंदर प्रवेश करवा रहे बाकी किसान भी बर्बाद मजदूर भी बर्बाद सब बर्बाद और गिने चुने जो लोग हैं देश के 10-20% उन्हीं का देश के अंदर सत्ता हो उन्हीं के देश के अंदर चले उन्हीं के सारे काम हो। इसलिए साथियों आज हमारे हाईकमान सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देश पर और जिला मुख्यालय पर धरना रखा गया। आप यहाँ जो लोग सुन रहे हैं ना भाषण मैं क्यों कह रहा था इन लोगों का तो इन सब बातों को पता है मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ सब लोगों को पता है ये बात हमको गांव के लोगों तक पहुँचानी चाहिए और जब भी मीटिंग हो ज्यादा से ज्यादा लोग आए वह चौराहे पे बात बताओ और जो हमारे युवा साथी है विशेषकर उनको भी बेरोजगारी की तरफ तगड़ा बोलता है। यदि यही हाल चलती रही तो आज जो हमारे रेलवे में नौकरी करते हैं जो बैंकों में नौकरी करते हैं जो डेढ़ लाख तनख्वाह लेते हैं आज यहाँ आपने भास्कर पढ़ा होगा सारे विभाग प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे और जब दे दिए जाएंगे तो ये लड़के ने जो 8-8 हजार रुपए में सारा दिन रेल में टीटी को काम करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर करना मोदी जी की पहली नीति है और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो न तो भैया कुछ कर सकता वो न वो राजनीति कर सकता। आज हम भाषण दे रहे हम भी 8-8 हजार रूपए तनख्वाह लेता तो एक फोकता टोपी से जेब में पैदा हो जब राजनीति याद आवे ये बड़ी प्लानिंग से देश के 70-80% आदमियों को ऐसा करना चाहते हैं जैसे देश आजाद होने से पहले थे और वापस वहीं पहुंच जाओ इसलिए इनसे सतर्क हो जाओ और बीजेपी को मुंह तोड़ के जाओ तो एकजुट होकर के इन बातों को गांव गांव को पहुंचाओ ताकि जीरो हो गए MP इलेक्शन से हम जब भी बात खूब करते थे अपनी बात खूब कर रहे हैं अभी देख लो क्या हो रही है खूब भाषण देंगे मैंने देखा है ऐसे उनके RSS के ऐसे ऐसे लोग हैं एक एक वोट को जयपुर से कलकत्ता से बम्बई से वहां से नाला के दबा देते हैं और हमारे लोग खड़ियों पर बैठ के हराते जिताते रहते हैं खुद का वोट डालने जाते नहीं है ये भी एक कारण खड़ियों पर बैठे बैठे। इसलिए कृपा करके इन भावनाओं को सब तक पहुंचाओ और जोश से काम करो हिम्मत से काम करो कमजोरी से मुंह लटकाने से भैया पार भी कौन पड़े। 200 तो हमने टिकट बांटे थे कम से कम टिकटार्थी तो यहाँ आ जाते ये है कमजोरी हमारी 70% जनता देश की मोदी जी के खिलाफ है लेकिन वो 70% लोग अपने मतदान का प्रयोग न टाइम पे करते हैं और मैं ये भी मैंने महसूस किया खूब भाषण देते हैं खूब चौराहे पे बात करते हैं खूब थड़ियों पे बात करते हैं जब वोटों की लाइन में लगते हैं तो उन सब बातों को भूल जाते हैं फिर तो ये होता है ये इसके खिलाफ वो इसके खिलाफ गांव में सरपंच MLA की बात ज्यादा मानता है MLA सरपंच की ज्यादा मानता है प्रधान की ज्यादा चल रही है और विचारधारा को भूल करके और वोट बिगाड़ देते हैं। यही कारण है कि मोदी जी सत्ता में है और यदि समय रहते नहीं सुधरेंगे तो ये परेशानी का दायरा और बढ़ेगा। सारा प्राइवेटाइजेशन रेलवे विभाग सबसे ज्यादा नौकरी 15-20 लाख देता था आज भी भास्कर में था। आप ये बताओ मोदी जी ने सारा कोई बेटा बाप की सारी संपत्ति को बेच के बर्बाद कर देता है और फिर बेटा ये कहता है मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। आप ये बताओ इतना पैसा आ रहा है सारी संपत्ति देश की बेची जा रही है सारे भाव बढ़ा रहे हैं डीजल पेट्रोल का खूब पैसा आता रहा है ये पैसा क्या खा रहा है
ne नौकरी लगा रहे ने किसानों को दे रहे ने कहीं और सब्सिडी दे रहे किसानों की सब्सिडी खत्म युवाओं की नौकरी खत्म और सारी चीज खत्म और फिर भी हालत खराब और फिर भी मोदी जिंदाबाद इसलिए साथियों आपको समय रहते इन बातों पर विचार करना पड़ेगा आपको अपने मतदान का प्रयोग सही करना पड़ेगा और मैं समझता हूं मोदी को यदि जब तक भय नहीं होगा ने ये मीडिया के साथ ही खड़े रात को मैं देख रहा था मैंने वहां मीटिंग में भी बोला था यहां कल पार्टी ज्वाइन करी थी कन्हैया कुमार और जिग्नेश ने और ये मीडिया वाले साथी आजकल माहौल ऐसा हो गया हमेशा क्वेश्चन सरकार से किए जाते हैं तो इस देश के अंदर जो मीडिया हमारा है वो सरकार से तो डरता है उनसे प्रश्न नहीं करता ये महंगाई क्यों बढ़ रही है उनसे प्रश्न नहीं करता ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है उनसे प्रश्न नहीं करता ये देश बर्बाद क्यों है उल्टा हम लोगों से पूछता है प्रतिपक्ष से पूछता है तो इसलिए धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है देश के अंदर ये लोकतंत्र खतरे में ये लोकतंत्र खतरे में प्रजातंत्र खतरे में और जो उनकी विचारधारा थी देश आजाद होने के टाइम पे धीरे धीरे बड़े तरीके से नागपुर और दिल्ली मिलकर के उस अपनी प्लानिंग को देश के अंदर प्रवेश करवा रहे बाकी किसान भी बर्बाद मजदूर भी बर्बाद सब बर्बाद और गिने चुने जो लोग हैं देश के 10-20% उन्हीं का देश के अंदर सत्ता हो ऐसा कोई तबका नहीं जो इस राज में पिछले 7 साल से परेशान नहीं हो महंगाई की वजह से आम व्यक्ति परेशान है और हम ये सब जानते हैं जब मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे और अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट था उसमें जो कुड़ैल के भाव थे एक हमारे टाइम पे $117 प्रति बैरल था और पिछले 5-7 साल से 50-60-70 और जाकर के $80 प्रति बैरल हुआ उस टाइम डीजल के भाव 60 रुपए लीटर के आसपास थे और आज 100 के आसपास है मतलब उस टाइम उनके भाषण सुनो और अब के भाषण सुनो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कंपैरिजन करो कि इससे बड़ा झूठा आदमी इस पृथ्वी पर आज तक पैदा हुआ ही नहीं ऐसा इससे बड़ा झूठा सब लोग परेशान युवा परेशान अभी आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले रीट के एग्जाम हुए थे 30,000 जगह और 16 लाख बच्चे 16 लाख इस प्रदेश के अंदर और वो भी बीपीएड और बीपीएड लड़के तो मैं समझता हूँ करीब 30% लोग बीएड करते होंगे बाकी बहुत से लोग बिना बीएड है तो आप ही अंदाजा लगा लो और रास्ता रास्ता में 50-60 लाख लड़के बेरोजगार हैं आप सोच लो क्या होगा आखिर अराजकता का माहौल पूरे देश में प्रदेश में पैदा होने वाला है व्यापारी परेशान किसान परेशान 3 कानून आपको पता है 10-11 माह हो गए आंदोलन कोई सुनने वाला नहीं हिटलर साहब पूरे देश के अंदर प्रजातंत्र खतरे में सब प्रायोरिटाइजेशन जिलाते जैसे बता रहे थे सारे जो बीजेपी वाला भी नारा लगा के आ रहे थे मैं सुनता आ रहा था लेकिन अब भी इतने बेशरम लोग हैं वो अब भी अपनी बात सबसे ऊपर अपनी बात सबसे ऊपर और हम ये सोचते हैं ये सुनते हैं चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे युवा बेरोजगार हो चाहे व्यापारी हो हम सब चौराहे पर तो बुराई बीजेपी की करते रहते हैं ये प्रमुख साहब सही कह रहे थे लेकिन जब सही निशाने की बात आती है तो हम लोग लापरवाह हैं आप ये बताओ अभी 60-70 लोग यहाँ बैठे हुए हैं 100 होंगे अभी 2-3 महीने पहले चुनाव थे आपके सहयोग से 10 प्रधान बनाए जिला प्रमुख बनाए अरे 200 तो हमने टिकट बांटे थे कम से कम टिकट आ थी तो यहाँ आ जाते